मुजफ्फरपुर में माओवादियों ने आवापल्ली मार्ग पर दोगाई गोड़ा में पर्चे फेंके हैं। पौचा कैबिन के करीब नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इन पर्चों के बाद से आम जनता से नक्सलियों ने नक्सल विचारधारा अपनाने की अपील करते हुए लिखा है कि उत्पादित वर्गों के संघर्ष लोगों 21 सितंबर से 8 नवंबर 2019 तक पार्टी की 150वीं वर्षगांठ को गांव-गांव में जोर शोर से मनाओ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वागत करता है पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, उन पर्चों में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है? जी, आपको कक्षा दो पचासवीं जो वर्षगांठ है वो मनाने की बात की है। 21 सितम्बर से 8 नवंबर 2019 तक इसको मनाने की बात की गई है। इस दौरान जो है इलाके में दहशत का माहौल रहेगा, जो आवाजाही है वो बंद रहेगी, जो बसों के पहिए हैं वो कम उपेश यहाँ पर रुके रहेंगे। उसके अलावा एक वो सड़क लगातार नक्सलियों के निशाने पर रहती है। इससे पहले भी उस जगह पर कई बार माओवादी जो है वो पर्चे वहां फेंक चुके हैं। इस बार कोटा केबिन के पास ये पर्चे फेंके गए हैं जहाँ 400 से 500 तादाद में पड़ते हैं। तो उस जगह पे दहशत भी है, शिक्षक भी दहशत में, और इलाके में पूरा जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं प्रबल हो रहा है। और कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये पर्चे वहां पर फेंके गए हैं। और क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनसे नक्सल विचारधारा को अपनाकर क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के लिए आगे आने के लिए अपील की है। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबर